जैसा कि एक फेमस यूट्यूबर मोनालिसा जी हैं, ये ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो इनको ना आता हो। ये हमारे उड़ीसा की एक फेमस यूट्यूबर मोनालिसा जी हैं, ये ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो इनको ना आता हो। वाहन मतलब कोई भी वाहन हो, इन्हें सब कुछ चलाने आता है, और वोल्वो बस डिजिटल जो होती है वो भी आता है, घोड़ सवारी भी करने आती है और हाथी की सवारी भी करने आती है, और ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो इनको ना आता हो। ये हमारे मध्य प्रदेश में आई, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, एक मतलब सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा की स्रोत है। ये बहुत ही अच्छी एक यूट्यूबर बोले तो बहुत अच्छी है। प्रणाम, मैं आप सभी के चाहिए यूट्यूबर मोनालिसा भत्र हूँ। आप लोग मेरे काम को इतना अच्छा कमेंट किए कि मैं उसके बाद एक के बाद एक काम करती रहती हूँ। आप हमारे इस ग्राम ब्रह्मणा में आप आई हो तो हम लोगों को बहुत प्रसन्नता है। अब मैं आशा करता हूँ कि आप इसी तरह से एक कार्यक्रम जो किए हैं आज, इसी तरह से कार्यक्रम करती रहोगी, मेरा आशीर्वाद है आपके। पे मुझे स्वागत करने के लिए गांव के लोग भी है, और आप सभी की जो भव्य स्वागत है मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं बहुत खुश हुई। और हम ये कहना चाहते हैं कि इनकी तरह हम सभी औरतों को भी आगे बढ़ना चाहिए। आप जाइए। Thank you.
कोई भी कार्य नहीं है जो इनको ना आता हो। वाहन मतलब कोई भी वाहन हो, इन्हें सब कुछ चलाने आता है। और वोल्वो बस डिजिटल जो होती है वो भी आता है, घोड़ सवारी भी करने आती है और हाथी की सवारी भी करने आती है। और ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो इनको ना आता हो। ये हमारे मध्य प्रदेश में आई ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। एक मतलब सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा की स्रोत है। ये बहुत ही अच्छी एक यूट्यूबर बोले तो बहुत अच्छी है। धन्यवाद। खड़े रहो। प्रणाम। मैं आप सभी के चहेते यूट्यूबर मोनालिसा भद्र हूँ। आप सभी को मैं दिल से प्रणाम करती हूँ। मैं एक किसान परिवार की बहू हूँ। आप लोग मेरे काम को इतना अच्छा कमेंट किए कि मैं उसके बाद एक के बाद एक काम करती रहती हूँ। और आप सभी का प्यार और आशीर्वाद से मैं आगे आशा करती हूँ। मैं मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश वालों को दिल से प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मुझे मेरे लिए इंतजार किए और मुझे इतना सम्मान दिए। काश आप लोग भी उनके जैसे बनो, आगे बढ़ो, आपके परिवार का आपका अपना नाम रहे। और ऐसे ही पूरे देश में ऐसे ही गांव में
बेटी और बहुओं को ऐसे ही उत्साहित कर सकूं कि जीवन में कुछ कर सके। ग्राम ब्रह्मणा में आप आई हो तो हम लोगों को बहुत प्रसन्नता है। अब मैं आशा करता हूँ कि आप इसी तरह से एक कार्यक्रम जो किए हैं आज इसी तरह से कार्यक्रम करती रहोगी। मेरा आशीर्वाद है आपकी।